हाउ आर यू, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए गाइज, हम पढ़ रहे हैं पंचकर्म। हम वमन और विरेचन पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बस्ती विधि। देखिए बस्ती क्या है, बस्ती क्यों की जाती है, वात प्रधान दोषों में या केवल वायु में बस्ती दी जाती है। अगर वायु में और या फिर वात प्रधान दोषों में बस्ती देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, बस्ती चिकित्सा ही पूर्ण चिकित्सा है, ऐसा कुछ आचार्यों ने माना है। ऐसा क्यों माना गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था वात के कारण जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो 80 व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। और पित्त के कारण होती हैं सिर्फ 40 व्याधियाँ, और कफ के कारण होती हैं 20 व्याधियाँ, ठीक है। तो वात के कारण सबसे ज़्यादा व्याधियाँ होती हैं। अगर हम इसे ही बाहर निकाल देंगे, मतलब जो कूपित होगी, दूषित होगी, अगर बस्ती चिकित्सा कर देंगे तो इसको माना गया है पूर्ण चिकित्सा है, मतलब सारी ही बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए इसके टाइप्स, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो निरु बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। निरु बस्ती का दूसरा नाम भी है एक आस्थापन बस्ती, और अनुवासन का दूसरा नाम है स्नेह बस्ती। ये उत्तर बस्ती सा कोई नाम नहीं है, बस एक ही नाम है उत्तर बस्ती, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे बस्ती का हेतु और लाभ। बस्ती चिकित्सा सुख देने वाली, ये सुख देने वाली होती है, इसलिए इसे बालक, बच्चे जो होते हैं, बूढ़े मतलब वृद्ध, कृश, पतले, स्थूल, मोटे, क्षीण धातु जिनकी धातु कमज़ोर हो गई हैं, क्षीण इंद्रियां वाले, ठीक है, और जिन स्त्रियों में वात के प्रकोप से संतान की उत्पत्ति नहीं होती, जिन स्त्रियों के अंदर वात की वजह से वात बढ़ जाता है, प्रकोप हो जाता है, उसकी वजह से वात संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उसमें बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं, या कष्ट से होती है उसमें भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती क्या होती है, आयु की स्थापना करने के कारण या दोषों की स्थापना के कारण इसे आस्थापन बस्ती कहते हैं। देखिए आयु की स्थापना यानी कि स्थिर रखना, अपनी आयु को, स्वास्थ्य को, अपने जो स्वस्थ हमारी जो हेल्थ होगी उसे स्थिर रखना, और दोषों की स्थापना स्थिर रखना, मतलब जो दोषों की स्थिरता बनाए रखना, इसीलिए इसे बोला जाता है आस्थापन बस्ती, ठीक है। पहले हम देखते हैं अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती की डेफिनेशन देख लेते हैं, दोष और रोग के अनुसार औषधि से सिद्ध करके जो स्नेह स्नेहन के लिए दिया जाता है वो अनुवासन बस्ती है। यानी कि जब दोष और हमने अगर दोष का पता लगा लिया है और रोगी के अनुसार जो उसे औषधि दी जाएगी, ठीक है, तो जो औषधि दी जाती है वो क्या, जो स्नेह मतलब स्नेह के रूप में दी जाएगी वो, ठीक है, स्नेहन करने के लिए, उसे बोला जाता है अनुवासन बस्ती। और ये चार प्रकार के होते हैं स्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है अनुवासन बस्ती में। अब देखिए निरु के योग्य मतलब कि आस्थापन, आस्थापन किस में किया जाता है, गुल्म, ट्यूमर, आन्हा यानी कि पेट में गुड़गुड़ होना, प्लीहा स्प्लीन के अंदर कोई डिजीज हो जाना, अतिसार, डायरिया होना, शूल, दर्द होना, और जीर्ण, ज्वारीवर होना, प्रतिशय, कोल्ड, अश्मीरी किसी के पथरी, स्टोन हो जाना, या फिर आर्तव के नष्ट होने पर, ठीक है। आर्तव किसे बोला जाता है, ओवम को। अब आता है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रोग इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे जल के काटने से पेड़ नष्ट हो जाता है, मतलब वृक्ष नष्ट हो जाता है। अगर हमने निरु बस्ती किसी को दे दी तो इसका मतलब यह है कि रोग उसके इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं जैसे किसी पेड़ को हम काट दें, और सॉरी जड़ को हम काट दें और उसकी वजह से वो पेड़ नष्ट हो जाए। अब निरु बस्ती के अयोग्य, जिसमें हमें निरु बस्ती नहीं देनी चाहिए, अत्यंत दुर्बल, वमन आदि से शुद्ध, श्वास, डिस्पनिया, कास, खांसी, प्रसेक, और ये कहते हैं अर्श, पाइल्स, हितमा, हिचकी, हिकप्स, आध्यमान, आध्यमान यानी कि पेट का फूलना, या फिर भोजन क्या हो, या फिर स्किन डिजीज हो, ठीक है, इन सब में यह करना है, हमें नहीं देनी है निरु बस्ती। अब आता है अनुवासन। देखिए यहाँ पे अनुवासन में क्या दिया हुआ है, जो आस्थापन के योग्य हैं, जो आस्थापन के योग्य हैं वही अनुवासन के भी योग्य हैं, विशेष रूप से अति दीप्त अग्नि वाले, जो ज़्यादा दीप अग्नि वाले हों, रुक्ष हों, और जो केवल वायु से पीड़ित हों, उन्हें अनुवासन के योग्य हैं, मतलब वायु से, जो वायु से पीड़ित हैं उन्हें ही अनुवासन देना चाहिए ज़्यादातर, मोस्टली। अनुवासन के अयोग्य कौन है, पांडु, अनीमिया, कामला, जॉन्डस, पीनस, रनिंग नोज, भोजन ना किए हुए, भोजन नहीं किए बिना नहीं देना है इसे, प्लीहा, शलीपत, गलगंड रोग, इन सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि हमें नहीं देना है, ठीक है, क्या नहीं देना है, अनुवासन बस्ती।
देखिए गाइज, इसके बाद में आता है निरोवर अनुवासन वस्ती यंत्र का नेत्र। दोनों यंत्रों के नेत्र स्वर्ण आदि धातु का लकड़ी अस्थि का बना होता है। इसका अगला भाग गाय की पूंछ के समान पतला होना चाहिए। इसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। ये चिकना सीधा और मुख पर से गोल होना चाहिए। देखिए गाइज, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा बना हुआ, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वस्ती दी जाती है। ये आगे से पतला होता है और पीछे से मोटा होता है, ठीक है। इसमें कोई छिद्र नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्ट आगे की तरफ होता है। हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन को फिल करते हैं, सिरिंज को फिल करते हैं और उसे आगे से, मतलब उसके ऊपर कैप होता है, वो लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम इसी तरीके से इसका भी हमें ध्यान रखना है, इसे भी हमें आगे से बंद करना है इसी तरीके से कि हमारा जो द्रव्य हम इसके अंदर डालेंगे, जो मेडिसिन डालते हैं, वो बाहर ना निकले, ठीक है गाइस। अब देखिए, बस्ती नेत्र प्रमाण, जो ये बस्ती नेत्र है इसका जो प्रमाण है, मतलब एज के अकॉर्डिंग है अलग अलग। जैसे जैसे एज होती चली जाती है वैसे वैसे इसका प्रमाण भी अलग अलग होता है। देखिए आयु, अगर 1 वर्ष से कम के आयु वाले बच्चों के लिए इसकी जो लंबाई होगी वो 5 अंगुल होती है। मूल भाग, जो इसका मूल भाग होगा यानी कि रूट भाग जो होगी वो 1/2 मतलब 1/2 अंगुल होनी चाहिए। और बाह्य भाग, जो बाह्य छिद्र है इसका, वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से मोठ बाहर निकल जाए, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, जो 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनकी, उसकी जो लंबाई है यंत्र की लंबाई, वो 6 अंगुल होनी चाहिए। और जो उसका मूल भाग है वो 1 अंगुल होना चाहिए। और जो बाह्य छिद्र है वो ऐसा होना चाहिए कि मूंग की दाल निकल जाए। और 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए 7 अंगुल उसकी लंबाई होनी चाहिए। मूल भाग उसका 2 1/4 होना चाहिए, ठीक है। और बाह्य छिद्र ऐसा होना चाहिए कि उड़द निकल जाए। ऐसे ही आगे की तरफ जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसका जो था मटर का दाना निकल जाए, भीगी मटर निकल जाए, जंगली बैर निकल जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम, देखिए इसके इसमें देखेंगे हम आस्थापन की विधि। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है, पहले वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, आस्थापन बस्ती के औषध की मात्रा, मतलब औषध की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में कितनी मात्रा हम फिल करें। तो देखिए यहाँ पे भी एज के अकॉर्डिंग दे रखी है। अगर 1 वर्ष है, 1 वर्ष के लिए 1/2 प्रसूति प्रकुंज 1 और पल 1, आपको याद रखना है एक पल जो है वो 46 ग्राम होता है। आप इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये याद रखना 1 वर्ष के लिए 46 ग्राम, 2 वर्ष के लिए 46 में फिर दोबारा से, मतलब 46 को जोड़ते चले जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 पल, फिर 2 पल, फिर 3 पल, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे पल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ग्राम में 46 ऐड करते चले जाएंगे। और ऐसे ही अनुवासन स्नेह बस्ती जो होती है उसके अंदर भी यह करना है हमें, एज के हिसाब से 46 को ऐड करते चले जाना है, ठीक है गाइज। अब देखिए इसके बाद में आस्थापन बस्ती की विधि, मतलब आस्थापन बस्ती की विधि क्या है। तो पहले स्नेहन और स्वेदन देना है। मैंने आपको बोला था पंचकर्म करने से पहले स्नेहन और स्वेदन देना ही पड़ेगा। स्नेहन और स्वेदन देना है, फिर उसके बाद में वमन विरेचन कराना है, फिर उसके बाद में अनुवासन कराना है। यहाँ से स्टार्ट होता है आस्थापन। आस्थापन कैसे स्टार्ट करते हैं हम, देखिए देखिए जो शीत और वसंत ऋतु में आस्थापन या करना है हमें, शीत और वसंत ऋतु में दिन में करना है, और ग्रीष्म और वर्षा शरद ऋतु में रात में कर सकते हैं हम। सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें अभ्यंग करना है। अभ्यंग करने के बाद में स्नान कराना है पेशेंट को। स्नान कराने के बाद में क्या करना है, भोजन, भोजन उसे खाना ज़रूर खिलाना है 1/4, जितना वो खाना खाता है उसके 1/4 उसे खाना खिलाना है, लघु खाना खिलाना है, उसे टहलने के लिए बोलना है। फिर यह करना है जब वो मल और मूत्र त्याग दे तो फिर उसे बेड पर लिटाना है। यहाँ लिखा हुआ है बेड पर लिटाना है, बेड भी इतना ऊंचा होना चाहिए वो जितना हमारा घुटनों के बराबर, और उसका सर का भाग जो है ऊंचा ना हो, सर का भाग ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। फिर यह करना है बाईं ओर लिटाकर, बाईं ओर उसे लिटाना है, दक्षिण पैर को मोड़कर बाएं पैर को फैलाकर। देखिए बाएं पैर को फैलाकर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को बाएं और दाएं में, तो एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, उसे याद रखिएगा। देखिए जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे देखिए बी बन रहा है, ये बी, तो बी मतलब कि बायां, और जो राइट हैंड है उस पर देखिए आप बनाकर, आपका डी बन रहा है तो आपको याद रखना है दायां। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, बाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण पैर मोड़कर, दक्षिण पैर मोड़कर और बाएं पैर को फैलाकर, बाएं पैर यानी कि लेफ्ट पैर, लेफ्ट पैर को फैलाना है और राइट पैर को मोड़ना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल ऐसे ही इस पोजिशन में हमें पेशेंट को लिटाना है, ठीक है। फिर आराम से गुदा में सावधानी पूर्वक जो द्रव्य हमने बनाया है उसे हम डाल देंगे, ठीक है। डलने के बाद में क्या करेंगे हम, स्फिग यानी कि उसके हिप्स, हिप्स के ऊपर थपथपाते हैं हल्के हल्के से, ताकि उसका जो द्रव्य है वो इजीली अंदर चला जाए, ठीक है। फिर बेड को, बेड को साइड से उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे
तीन बार करना है हमें, उठाना है और छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जब वो ऊपर आएगा तो द्रव्य जो है वो इस तरीके से उसके अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि द्रव्य की जो मूवमेंट आपके स्क्रीन पर आ रही होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब ऐसे वो जाना चाहिए स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, उसके शरीर पर अभ्यंग करना है। स्नेह शीघ्र ही वापस नहीं आता, हैंड टू हैंड वो वापस नहीं आएगा, अगर वो वापस आ जाए तो हमें दोबारा से बस्ती करनी चाहिए। अब देखिए नोट, नोट में मैंने यहाँ पे के लिखा है, बस्ती देते समय रोगी को खांसना, छींकना या फिर बोलना या फिर हिलना नहीं चाहिए, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए स्नेह निवृत्ति के पश्चात, अगर स्नेह निवृत्ति के पश्चात क्या करेंगे, अब जाठर अग्नि तीव्र हो, किसी की भी जाठर अग्नि तीव्र हो और स्नेह वापस आ गया हो तो सायंकाल उसे लघु भोजन देना चाहिए। अगर उसकी जाठर अग्नि तीव्र थी, डाइजेस्ट हुआ और क्या हुआ, स्नेह वापस आ गया है, तो उसे लघु भोजन देना चाहिए। निवृत्ति काल मतलब हमें कब तक वेट करना है उसके बाहर आने का, क्योंकि जो भी हम द्रव्य उसे देंगे ना उसे वापस आना है, उसे डाइजेस्ट होने के बाद में मल के साथ बाहर आना होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है निवृत्ति काल। स्नेह के वापस आने का समय, जो स्नेह के वापस आने का समय है वो क्या बताया गया है, तीन प्रहर। तीन प्रहर, जो एक प्रहर होता है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रहर यानी कि 9 घंटे उत्तम समय माना है उसे वापस आने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला है कि 24 घंटे तक उसकी प्रतीक्षा करनी है, और अगर वो वापस नहीं आए तो फलवर्ती कर सकते हैं उसे वापस लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है स्नेह निवृत्ति की स्थिति में कार्य है, जो स्नेह निवृत्ति मतलब कि अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या करना है, अतिरुक्षता के कारण यदि स्नेह वापस ना आए, किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर ज़्यादा रुक्षता है तो उसकी वजह से वो स्नेह वापस नहीं आ रहा है, लेकिन ना आने के बाद भी वो दोषों को उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें कि वो वापस आए, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए और कोई प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि वो वापस आए। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है गाइस अनुवासन का समय, हम आस्थापन के लिए पढ़ रहे थे, अभी अनुवासन का समय है। रोगी को 3रे या 5वें दिन अनुवासन बस्ती देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अथवा जितना समय स्नेह का पाचन हो जाए तब अग्नि के अनुसार, अग्नि के अनुसार उसे देते हैं। वात की अधिकता हो किसी भी व्यक्ति के अंदर और नित्य व्यायाम करता हो वो और रुक्ष हो तो उसे यह करना है हमें प्रतिदिन ही, मतलब डेली उसे अनुवासन देना है। अब देखिए गाइज हम पढ़ेंगे आस्थापन बस्ती के क्वाथ में द्रव्यों की मात्रा। हम आस्थापन बस्ती के लिए क्वाथ बनाते हैं, उसके अंदर द्रव्यों की मात्रा क्या डालते हैं। क्वाथ के द्रव्य 20 पल, 20 पल यानी कि 120 ग्राम और 8 मदनफल लेकर क्वाथ के अनुसार 16 गुना जल, मतलब कि हमें यह करना है क्वाथ के द्रव्य 20 पल यानी कि 120 ग्राम लेने हैं, उसके अंदर 8 मदन फल और उसमें 16 गुना जल पानी को डालना है, फिर उसे पकाना है। जब जल 1/4 रह जाए, जब हमारा जल जो है 1/4 रह जाता है तो उसे छानना है। ठीक है, छानने के बाद में देखते हैं, अगर हम वात के लिए कर रहे हैं तो क्वाथ का चतुर्थांश, मतलब जो क्वाथ का चतुर्थांश स्नेह मिलाएंगे उसके अंदर, पित्त के लिए क्या करेंगे क्वाथ का 1/6 भाग स्नेह मिलाते हैं और कफ के लिए क्वाथ का 8वां भाग स्नेह मिलाते हैं, फिर उसे हम पकाते हैं। ठीक है, पकाने के बाद में यह करते हैं कल्क बनाते हैं, कल्क यानी कि पेस्ट, उसका पेस्ट बनाते हैं। अब यह करेंगे क्वाथ में 1 पल, 1 पल यानी कि 46 ग्राम गुड़ को मिलाएंगे। गुड़ को मिलाने पर नमक मधु ये डालते हैं हम, और सभी द्रव्य को एक पात्र में डालकर गर्म पानी की भाप से गर्म करते हैं। एक बर्तन के अंदर डाल के गर्म पानी की भाप से उसे गर्म करेंगे। अब देखिए उसे गर्म करेंगे है, फिर मथना है उसे, इस तरीके से मथा जाता है। उसे मथने के बाद में क्या करेंगे, हम यंत्र में जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया था अभी, उसमें डाल देना है। ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब उसे गुदा में डाल देंगे। ठीक है, जब गुदा में डालते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गुदा में डालते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ना तो द्रव्य ज़्यादा स्निग्ध हो और ना ज़्यादा रुक्ष हो और ना ही तीक्ष्ण हो और ना ही मृदु हो और ना बहुत निर्मल हो, ना पतला हो, ना गाढ़ा हो, ना मात्रा कम हो, ना ज़्यादा हो, ना ज़्यादा खट्टा हो, ना ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि खट्टा नहीं हो, इन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, क्वाथ बन जाता है। क्वाथ का प्रोसीजर ये दिया हुआ था। अब देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है बस्ती का हीन, सम्यक और अतियोग। अगर बस्ती हीन हो, हीन हुई है, सम्यक और अतियोग, हीन और असम्यक अतियोग के लक्षण विरेचन के समान होते हैं। मैंने आपको विरेचन वाले इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। यदि सम्यक हो जाए, अगर सही से हो जाए तो यह करना है हल्के उष्ण जल से स्नान कराकर उसे पतले जांगल मांस रस के साथ भोजन कराते हैं। ठीक है, अगर वो सम्यक हो जाए तो उसे हल्के गर्म पानी के अंदर उसे नहलाना है और पतले जांगल मांस के साथ भोजन कराना है। पत्थे के लाभ, इसके लाभ क्या होंगे, निरुवस्ती दिए हुए व्यक्ति में
में अत्यंत गतिशील मल और दोषों के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी उत्पन्न विकार जो भी होंगे वो उत्पन्न होते हैं, तो वो उष्ण जल में नहाने से क्या हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। ठीक है, नहाने के बाद में जो भोजन करने से शांत हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुवासन बस्ती का काल। जो अनुवासन बस्ती का काल दिया हुआ है वो क्या है, वात पीड़ित रोगी, अगर कोई भी वात पीड़ित रोगी है उसे क्या करना है, मैं निरु बस्ती के बाद में यानी कि आस्थापन बस्ती के बाद शीघ्र ही अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अब यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवासन बस्ती के सम्यक योग का लक्षण। अगर हम अनुवासन बस्ती के सम्यक योग का लक्षण देखें कि सही से हुई है नहीं हुई है, तो क्या है, अनुवासन बस्ती कुछ समय तक रहकर मल और अपान वायु के साथ बाहर आ जाती है। अनुवासन बस्ती कैसे पता चलेगी हमें कि सक्सेसफुल हुई है, कुछ समय हमारे पेट के अंदर रहकर वो अपान वायु के साथ बाहर आ जाएगी, उसे ही सफल स्नेह अनुवासन बस्ती कहा गया है। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज इसके पास पढ़ते हैं हम, इसके बाद में टॉपिक आता है, देखिए गाइज अब इसके बाद पढ़ते हैं हम दोष अनुसार अनुवासन बस्ती की संख्या। जो दोष के अनुसार अनुवासन बस्ती की संख्या कैसे देनी चाहिए हमें, जब सम्यक योग उत्पन्न ना हो, सम्यक यानी कि हमें पता चल गया हो कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो हमें यह करना है वात की प्रधानता, अगर वात की प्रधानता है तो 9 या 11 बार मतलब अनुवासन दें। पित्त की प्रधानता की वजह से 5 या 7 बार अनुवासन दें। कफ की प्रधानता से 1 या 3 बार अनुवासन दें। ठीक है, अब बस्ती के कर्म क्या होते हैं, उत्क्लेशन का काम होता है इसका मतलब कि कुपित करना। ठीक है, कुपित करने का मतलब यहाँ पे क्या है, कोपन दोषों को उखाड़ने वाली है, करती है कोपन दोषों को, जो कुपित दोष होते हैं हमारे उन्हें उखाड़ने वाली होती है ये। शुद्धिकर का इसका काम होता है, शुद्धिकर का मतलब क्या है, हमारा शोधन करने से मतलब क्या है, दोषों को ये शुद्ध करती है। ठीक है, फिर है शमन करना, दोषों को ये शांत करती है। ठीक है, अब ये से काम होते हैं 3, ये याद रखिएगा आप। एक और बस्ती का जिक्र यहाँ पे किया गया है, मात्रा बस्ती। देखिए स्नेह पान की छोटी मात्रा के बराबर स्नेह की मात्रा जिस बस्ती में देते हैं उसे मात्रा बस्ती कहते हैं। देखिए जो स्नेह पान की जो छोटी मात्रा के बराबर जो स्नेह पान करा रहे हैं उसकी छोटी मात्रा के बराबर जो स्नेह की मात्रा जिस भी बस्ती में दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, मात्रा बस्ती। इसके योग्य क्या हैं, योग्य हैं बालक, वृद्ध या भार उठाने वाला कोई व्यक्ति, और यह या फिर बस्ती मतलब दोषनाशक। ये बस्ती जो होती है दोषनाशक होती है, दोषों को खत्म करती है। अब देखिए गाइज मैंने आपको क्या करा, बस्ती चैप्टर में से जो हमारा अनुवासन बस्ती था और अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती उसे मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है। एक बार ना हम टेबल देखते हैं, देखिए हमारी बुक के अंदर दे रखी है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास ये टेबल नहीं होगी बुक में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ये इजी है समझने के लिए। देखिए मैंने आपको सब क्या पढ़ाया चैप्टर में, बस्ती के विविध भेद बताए, द्रव्य भेद बताया, संख्या भेद बताया, और विधि भेद और अधिष्ठान भेद। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो द्रव्य भेद हैं, द्रव्य भेद क्या हैं, 3 है, अनुवासन, निरु और उत्तर बस्ती। अभी मैं बताऊंगी आपको उत्तर बस्ती किसे बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अनुवासन स्नेह बस्ती है, स्नेह आधारित है, स्नेह पर आधारित है, और ये मात्रा बस्ती इसी का एक पार्ट है। ठीक है, और निरु बस्ती मैंने आस्थापन बस्ती आपको बताया, ये क्वात आधारित है, क्वात किसे बोलते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। संख्या भेद, जो संख्या भेद है कर्म बस्ती और काल बस्ती, योग बस्ती, ये आपको याद रखना है। कर्म बस्ती में 30 मात्रा है मतलब संख्या बताई गई है 30 बार, और क्या कहते हैं जो काल बस्ती है वो 15 और योग बस्ती 8। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो विधि है, विधि भेद, उत्क्लेशन मैंने आपको बताया इसका विधि भेद मतलब कि क्या काम होता है इसका, उत्क्लेशन का, शुद्धिकर का और शमन का, ये मैंने अभी बताया। और अधिष्ठान भेद में देखिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ रहती है, पक्वाशयगत और गर्भ के अंदर, और मूत्राशयगत और बणगत, मतलब हम कहाँ कहाँ इसे करते हैं, अधिष्ठान क्या है इसका। ठीक है, अब एक और चीज़, जो निरु बस्ती है उसके इतने सारे देखिए पार्ट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। उत्क्लेदन, शोधन, शमन, लेखन, ब्रूहण, बाजीकरण
और पिच्छा माधु तेलिक प्रियाय, इसके अलग अलग भी हैं यापन युक्तरत दोषहर और सिद्धवस्ती। ये याद हो जाता तो कर लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर अनुवासन बस्ती, निरुवस्ती और उत्तरवस्ती है, ठीक है। इनके बारे में आपको याद रखना है और इसके कर्म के बारे में, इसका कर्म क्या है ये याद रखने हैं आपको, ये अच्छे से याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में उत्तरवस्ती, ठीक है। देखिए गाइज, हम पढ़ते हैं यहाँ पे उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में क्या दिया हुआ है, पुरुषों के बस्तीगत रोगों, स्त्रियों के योनि और गर्भाशय के रोगों में दो तीन अस्थापन बस्तियों से शोधन करके उत्तर बस्ती देनी चाहिए। जो बस्ती गुदा से उत्तर मार्ग योनि या लिंग के द्वारा दी जाती है उसे उत्तर बस्ती कहते हैं। सबसे पहले उत्तर बस्ती क्या होती है, जो गुदा यानी कि एनल, एनल से उत्तर मार्ग अपोजिट साइड यानी कि वजाइना और पेनिस, उसके द्वारा जो दी जा रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं उत्तर बस्ती, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पुरुषों के अंदर जो रोग हो या स्त्री के योनि के अंदर यानी कि वजाइना के अंदर या गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर कोई रोग हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, दो तीन बार अस्थापन बस्तियों से शोधन करने के बाद में उत्तर बस्ती देनी चाहिए। अब इसका यंत्र, रोगी की अंगुली के 12 अंगुल होना चाहिए, रोगी की अंगुली जो होगी उसके 12 अंगुल होना चाहिए किसमें, मेल के अंदर, ठीक है, और 10 अंगुल होना चाहिए फीमेल के अंदर, ठीक है। उत्तर बस्ती की विधि और संख्या, इसकी विधि क्या है, स्नेह बस्ती के समान ही, जब स्नेह बस्ती देते तो उसके समान ही है, स्नान कराना है, भोजन करके इसे देनी है। करना क्या है इसको, देखो ऊंचे कोमल आसन पर पीठ का सहारा लेकर रोगी को बैठाते हैं, ऊंचे कोमल आसन पर पीठ का सहारा लेकर क्या करेंगे हम, रोगी को बिठाएंगे, किसकी बात है ये, इन मेल मेल की बात है ये, 3-4 बार बस्ती देनी चाहिए मेल में, ठीक है। और फीमेल में क्या करते हैं, देखिए फीमेल में करेंगे हम ऊंचे आसन पे, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ऊंचे आसन पे बिठाएंगे फीमेल को, लिटाएंगे सॉरी, उसे लिटाते हैं, लिटाने के बाद में उनके दोनों टांगों को ऊपर उठाकर फिर वजाइना के थ्रू दी जाती है। देखिए गाइस, जो फीमेल के अंदर जो मैंने बताया आपको, दिन रात में 3-4 बार देनी चाहिए, ठीक है, ये है। अब इसके बाद में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो वैसे ही क्या है, मतलब ये अंदर की तरफ इसकी मूवमेंट होती है, तो इसे इस तरीके से दे देना चाहिए। अब इसमें क्या आता है, बस्ती, इसके बाद देखिए बस्ती में वमन विरेचन क्रम, वमन के 15 दिन के बाद में विरेचन और विरेचन के 7 दिन के बाद में अनुवासन बस्ती देते हैं, ये हमें क्रम याद रखना है, ठीक है गाइस। अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, हम अनुवासन भी पढ़ चुके हैं, अस्थापन भी पढ़ चुके हैं और उत्तर बस्ती भी पढ़ चुके हैं। एक बार इनका शॉर्ट में एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है गाइस। देखिए निरु यानी कि आस्थापन और अनुवासन यानी कि स्नेह बस्ती, इन दोनों का मैंने डिफरेंस शॉर्ट में लिखा है। निरु बस्ती जो है वो क्वाद प्रधान है, मतलब क्वाद पर आधारित है, और जो अनुवासन है वो स्नेह है, ठीक है। इसे क्या करते हैं, बिना भोजन किए देते हैं और इसे भोजन करने के बाद देते हैं। बस्ती द्रव्य बाहर आने का समय, इसमें एक मुहूर्त लिखा गया है, मैंने आपको बताया था कि 3 प्रहर माना गया है, और इसमें कोई भी टाइम नहीं माना गया, जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो आ जाती है बाहर, ठीक है। उत्तम मात्रा 18 पल मानी गई है, 18 पल यानी कि मैंने बताया था आपको, 1 पल यानी कि 46 ग्राम, ये 18 पल मानी गई है। यहाँ पे उत्तम मात्रा दी गई है वो क्या है, निरु की चौथाई मानी गई है, मतलब इसकी चौथाई मात्रा मानी गई है। देखिए लगातार प्रयोग से क्या होगा, इसमें वात कुपित हो जाती है और इसमें क्या होता है, दोषों का उत्क्लेश होता है, प्रकोप हो जाते हैं दोष। देखिए गाइस, आज हमारा बस्ती जो है ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में नस है और हमारा क्या बचा है, रक्त मोक्षण, वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।